मुंबई के विले पार्ले के संन्यास आश्रम के अमृत महोत्सव पर 5 दिन का धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू हुआ था। पिछले 4 दिनों में यहां धार्मिक और सांस्कृतिक विषय पर कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी। सोमवार को कार्यक्रम के समापन के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सनातन संस्कृति और भारतीय परंपरा की विशेषताओं का विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन करते हुए भारत देश में निहित अमृत शक्ति और परंपरा की चर्चा करते हुए शायर इकबाल की शायरी का भी जिक्र किया। स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज ने भी अपने अनमोल विचार प्रकट किए। पांच दिन का यह धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी यहां पर लोगों को संबोधित किया। धर्म जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। मुंबई के विले पार्ले में ये अमृत महोत्सव था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीच में शिरकत की। मुंबई में विले पार्ले के संन्यास आश्रम के अमृत महोत्सव पर 5 दिन का धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। सभी परम श्रद्धेय वंदनीय पूजनीय संत वृंद, अमृत महोत्सव का आखिरी दिन है और हम सब लोग कहते हैं, सारी दुनिया कहती है, हमारा अमर राष्ट्र है। इकबाल की भी कविता में कहा गया है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो कुछ बात क्या है? वो कुछ बात है अध्यात्म। ये हमारे पास रखी हुई विश्व कल्याण के उपयोग में समय समय पर लाई जानी चाहिए हमारे द्वारा, ऐसी धरोहर है। धर्म जोड़ता है, धर्म कभी तोड़ता नहीं, धर्म बिखरने नहीं देता, धर्म सबको एकत्र बांधता है, धर्म सबकी उन्नति एक साथ करता है, शरीर मन बुद्धि तीनों, आत्मा के तत्व के आधार पर, अर्थ और कामों के पुरुषार्थ को पूर्ण करते हुए धर्म एक अनुशासन देता है जिससे वो सारे मोक्ष की ओर जीवन को अग्रसर करते हैं, व्यक्तिगत जीवन को और सामूहिक जीवन को, क्योंकि व्यक्ति समाज और सृष्टि को भी परमात्मा तत्व के आधार पर जोड़ने वाला धर्म ही है। समाज के लिए उस धर्म संस्कृति परंपरा का संरक्षण, उसकी उन्नति सबसे सुरक्षित स्थान होने के कारण यहाँ पर सभी लोग आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उद्देश्य होना चाहिए कि 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस अवसर पर हम लोगों को आनंद है और इस अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पर संन्यास आश्रम का अमृत महोत्सव नाम से ये कार्यक्रम किया है। इसमें 5 दिन में विविध प्रकार के विषय रखे, उसमें धर्म भी है, संस्कृति भी है, राष्ट्र भी है, आचार्य भी है, मठ और मंदिर, अनेक प्रकार की हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। और मुझे लगता है कि चर्चा जब आपके माध्यम से कोई लोग देखेंगे तो हमारी चर्चा सार्थक होगी, ये मेरा विश्वास है।